सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीशन, जहां से हमारी बात शुरू हुई. एक्सक्रीशन इज बेसिकली अ पर्टिकुलर चैप्टर जिसके अंदर आपने बात करनी होती है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स. ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो इसको हम बॉडी में रख नहीं सकते. सो वी जस्ट एलिमिनेट दोस कंपाउंड्स. यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज मेटाबॉलिज्म. जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है जिससे, वो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर होने वाले किसी भी रिएक्शन का नाम. कोई भी रिएक्शन जो तुम्हारी बॉडी में होगा वो या तो चीजों को जोड़ने के लिए होगा या तो चीजों को तोड़ने के लिए होगा. Whenever a larger compound is broken down into smaller substances, that is known as catabolism. And whenever it is making up of larger compound from smaller substances, that is known as anabolism. जब आप catabolism की बात करते हैं तो आप example देते हैं breakdown of glucose की. एक example है जिसके अंदर carbon dioxide एक excretory waste product बन रहा है. Water excessive अगर amount में हो जाएगा तो वो भी wastage है हमारे लिए, और इससे हमें energy मिल रही होती है जो कि हम utilize कर रहे होते हैं. ठीक है, फिर on the other hand you have example for anabolism. Anabolism क्या है? Anabolism is actually making up of larger substances. Larger substances यहाँ पे क्या है? Protein किस चीज से बन रहा है? Smaller unit. Smaller unit यहाँ पे क्या है? Amino acid. So you will just link up together different units of amino acid to form a structure of protein. इसके अंदर by products आ जाते हैं आपके पास, और by products की अगर आप बात करें तो उसमें हार्मफुल या यूजफुल सब्सटेंसेस. जो यूजफुल है वो हम यूज कर लेंगे, जो हार्मफुल है वो हम बॉडी से रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. तो जिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की हम बात करने जा रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि लंग्स के जरिए से एक्सक्रीट आउट या रिमूव होता है. और अगर मैं बात करूं कि ये जो आपके पास एलिमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये बेसिकली रेस्पिरेशन का ही बाय प्रोडक्ट है. इसके बाद आपके पास आ जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल. नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल में यू हैव गॉट यूरिया, यू हैव गॉट यूरिक एसिड एंड यू हैव गॉट क्रिएटिनिन. यूरिया किडनी से रिमूव होगा, यूरिक एसिड भी किडनी से रिमूव होगा, क्रिएटिनिन किडनी से भी रिमूव होता है और स्किन से भी रिमूव होता है. स्किन से कोई भी चीज जो रिमूव होती है, एक्सक्रीट आउट होती है, वो स्वेटिंग के जरिए से होती है क्योंकि हमारी स्किन स्वेट प्रोड्यूस कर रही होती है. तो स्वेट के अंदर आपके पास सिर्फ क्रिएटिनिन ही नहीं रिमूव हो रहा है, क्रिएटिनिन तो बहुत लो अमाउंट में स्किन से रिमूव होता है. मेजर क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो किडनी ही रिमूव कर रही होती है. बट ऑन द अदर हैंड यू हैव गॉट एक्सेसिव वाटर एंड सॉल्ट, वो भी यहाँ से रिमूव हो रहा होता है. तो हमें ले दे के जो बात समझ में आती है वो है किडनी. किडनी जो है वो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. तो हमने जो अब अपनी बात को कंटिन्यू करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से, जो कि हमारा टॉपिक है बेसिकली मेमेलियन यूरिनरी सिस्टम, तो उसके अंदर हम इसकी जरा थोड़ी डिटेल समझ लेंगे. मैमेलियन यूरिनरी सिस्टम क्या है? जरा बात को वार से समझिएगा. दैट व्हाट इज मैमेलियन यूरिनरी सिस्टम. मैमेलियन यूरिनरी सिस्टम अगर समझना है तो एक सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं. एक सिस्टम में हमारे पास बेसिकली मौजूद हैं अ पेयर ऑफ बीन शेप ऑर्गन. एक तरफ आपके पास एक किडनी, दूसरी तरफ आपके पास दूसरी किडनी, और उन दोनों से अटैच हुआ हुआ एक डक्ट. ये डक्ट जो कि जाके एंड होता है, कहाँ पे एंड होता है? यूरिनरी ब्लैडर में. और यूरिनरी ब्लैडर से आपके पास एक डक्ट और निकलता है जो कि यूरिन को मूव आउट करवाता है हमारी बॉडी से. सो जस्ट गौर कीजिएगा कि आपके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन था किडनी वो यहाँ मौजूद है. किडनी के बाद यू हैव गॉट दीज डक्ट्स.
these are actually ureter. Then this particular bladder, this is known as urinary bladder. और urinary bladder का जो output है वो basically एक duct के through है. उस duct को हम लोग कहते हैं urethra. ठीक है जनाब, तो follow कीजिएगा इसी structure को. कुछ key points मैं जो है वो बताने जा रहा हूँ आपको. ठीक है ली. Now when you talking about kidney, किडनी के बारे में कहा जाता है दैट किडनी इज अ बीन शेप ऑर्गन. किडनी के बारे में कहा जाता है कि वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है. किडनी बीन शेप ऑर्गन है, किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है. एक बात और स्पेसिफिकली बता दूं कि किडनी आपके डॉर्सल लंबर रीजन में मौजूद है. किडनी कहाँ मौजूद है? किडनी तुम्हारी पीठ के हिस्से में पीछे मौजूद है. और अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई व्हाट इज द साइज ऑफ किडनी, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि द साइज ऑफ किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. किडनी जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ऑर्गन होता है. इसके बाद आपके पास एक डक्ट आ जाती है यूरेटर. यूरेटर का काम सिर्फ है कनेक्ट करना. यूरेटर इसीलिए सिर्फ कनेक्ट करती है, कनेक्ट किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, और अगर यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो भाई यूरिनरी ब्लैडर कैरी करता है इन एट अ पर्टिकुलर टाइम इट कैन कैरी अराउंड हाफ लीटर ऑफ यूरिन. और यूरेथ्रा की अगर बात करें तो यूरेथ्रा बेसिकली जो कि यूरिन प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर स्फिंक्टर मसल्स मौजूद होते हैं जो कि इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसके जरिए से हमारा यूरिन कंट्रोल होता है. सही है भाई, जिसके जरिए से यूरिन कंट्रोल होता है. अच्छा, नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो कि आपके पास यूरिनरी सिस्टम है, तो इसमें से अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करता चलूं, समझाने वाली बात है ये बेसिकली वैसे तो, लेकिन फिर भी ये जो आपके पास किडनी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें ये जो लेफ्ट किडनी है, ये वाली लेफ्ट किडनी होती है, ये वाली राइट किडनी होती है. ये जरा उल्टा मामला है, ये मेरा सीधा हाथ है लेकिन इस तरफ लेफ्ट किडनी है, मेरा उल्टा हाथ है लेकिन इस तरफ राइट किडनी है. क्यों? क्योंकि जो मेरे डायरेक्शंस हैं वो उस बंदे की अपोजिट डायरेक्शन है जिसकी ये किडनी है, क्योंकि मैं अपने ऊपर खुद से थोड़ी पढ़ूंगा यूं नीचे देख के, तो मैं तो किसी दूसरे अपोजिट बंदे पे पढ़ूंगा. अगर तुम स्टडी कर रहे हो तो किसी दूसरे बंदे पे कर रहे हो, तो जहां पे तुम्हारा राइट है वहां पे उसका लेफ्ट है, तो जो लेफ्ट किडनी है वो स्लाइटली ऊपर हुई है. क्यों? क्योंकि लिवर के लोब की वजह से. किसकी वजह से? लिवर के लोब, छोटा सा लिवर बनाया ऊपर समझाने के लिए, लिवर के लोब की वजह से, लिवर के लोब की वजह से ये किडनी सप्रेस हो जाती है. ये किडनी सप्रेस हो जाती है, थोड़ा सा नीचे हो जाती है. सही है, डायग्राम में मत जाना, डायग्राम में लगेगा दोनों एक ही लेवल पे मौजूद हैं, लेकिन जो है वो लेफ्ट वाली किडनी स्लाइटली ऊपर होती है और राइट वाली किडनी स्लाइटली नीचे होती है. और जो राइट वाली किडनी हल्की सी नीचे होती है वो एक लिवर के लोब की वजह से ऐसा होता है. ठीक है भाई, आगे चलते हैं. तो हम इस बात को जरा और आगे बढ़ाते हैं इस तरह से कि हम एक किडनी को जरा डिटेल में समझेंगे. एक किडनी का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे डिटेल में. Okay, wait. This is how the kidney is.
ये किडनी का आउटर रीजन है, सही है भैया जी, गौर करते जाना, आखिरी टॉपिक है जो समझा रहा हूँ। ये किडनी का आउटर रीजन है, ये कॉर्टेक्स कहलाता है। ये किडनी के इनर रीजन है जो कि रेड कलर से डिमार्केट कर दिया है, ये मेड्यूला कहलाता है। इस मेड्यूला के अंदर ये ब्लू कलर के कोनिकल शेप स्ट्रक्चर्स हैं। क्या हैं ये कोनिकल शेप स्ट्रक्चर्स जो ब्लू कलर से यहाँ पे ड्रॉ किए हुए मेड्यूला के अंदर होते हैं? ये कोनिकल शेप स्ट्रक्चर पिरामिड्स कहलाते हैं। अपने शेप के हिसाब से इनका नाम रख दिया है, पिरामिड्स कहलाते हैं। ये जो आपके पास जगह है किडनी की, ये एक ओपनिंग है जहां से यूरेटर अंदर जाता है, ये ओपनिंग हाइलस कहलाती है। ये ओपनिंग हाइलस कहलाती है, और जहां पर ये सारे के सारे अपना यूरिन कन्वर्ज कर रहे हैं, सारे के सारे पिरामिड्स यूरिन को कन्वर्ज कर रहे हैं, ये कन्वर्जिंग पॉइंट जो है ये पेल्विस कहलाता है। तो पिरामिड्स मौजूद हैं मेड्यूला के अंदर और कॉर्टेक्स आउटर रीजन है। कॉर्टेक्स को आउटर डार्कर रीजन कहा जाता है और मेड्यूला को इनर लाइटर रीजन कहा जाता है। आउटर डार्कर रीजन कॉर्टेक्स, इनर लाइटर रीजन मेड्यूला, हाइलस। हाइलस क्या है? ओपनिंग ऑफ किडनी। हाइलस इज ओपनिंग ऑफ किडनी। पेल्विस, पेल्विस क्या है? जहां पे यूरिन कन्वर्ज होता है, वेयर यूरिन कन्वर्ज, जहां पे यूरिन जमा होता है। जमा होके फिर वो यहाँ से यूरेटर में जाएगा और यूरेटर से फिर वो बाहर निकल जाएगा ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से बॉडी से ही बाहर चला जाएगा। दिस इज द होल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। और इससे पहले हमने ऊपर जो पढ़ा था वो था यूरिनरी सिस्टम। तो ये आपके पास ओवरऑल चीजें आ गई दोनों। इन दोनों को जरा जल्दी से याद करो, सिर्फ रिव्यू नहीं करना है, याद करना है आपने, सही है? तो इसको याद करने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पूरे 2 मिनट का। अच्छा जी अली, तो ये आपको रिव्यू करने का टाइम मिल गया और होपफुली कि तुमने याद कर लिया होगा। बहुत आसान सी चीज है, मैं जल्दी से ये वाला पार्ट आपको रिव्यू करवा देता हूँ। इट सेज कि आपके बॉडी में एक यूरिनरी सिस्टम मौजूद है डॉर्सल साइड के ऊपर, जिसमें 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रेडिश ब्राउन कलर का बी शेप ऑर्गन होता है, जिसको किडनी कहते हैं। ये किडनी आपके पास अटैच होता है एक डक्ट से, जिसको यूरेटर कहा जाता है, जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक चलता है, और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा अटैच होता है, जहां से यूरिन बाहर पास आउट हो जाता है। अच्छा जी, इस पूरे सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है हमारा किडनी, और किडनी के अंदर आउटर रीजन डार्कर रीजन जो है वो कॉर्टेक्स होता है, और इनर लाइटर रीजन जो है वो मेड्यूला होता है। और जहां पे इसकी ओपनिंग मौजूद है किडनी की, जहां से यूरेटर अंदर जा रहा है, उसको हाइलस कहते हैं, और जहां पे यूरिन कन्वर्ज होता है उसको पेल्विस कहा जाता है। यूरिन को कन्वर्ज करने वाले जो पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स हैं उनको पिरामिड कहते हैं, या वो बेसिकली फनल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां से यूरिन कन्वर्ज होता है, ठीक है? और फिर वो ऐसे ऐसे वहां से ड्रिप आउट करेगा यूरेटर में, और यूरेटर से फर्दर आगे मूव कर जाएगा। इसके अंदर एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या काम करता है और नेफ्रॉन किस तरह से काम करता है, ये मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। अब मुझे बताओ जरा, यहाँ तक की बात में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है आपका तो पूछ। नहीं सर, समझ आ गई। सॉरी बेटा, जोर से बोलो थोड़ा। सर समझ आ गई। अच्छा चलो ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर यहीं तक रखते हैं क्लास, सही है? ठीक है सर। थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ा दिया था क्योंकि हमारे शुरू के अंदर टाइम थोड़ा सा हमें